In this video, I will discuss how to frame, or we can say that how to construct a given matrix whose conditions are given and we have to frame a matrix. For example, let us say we have to construct a matrix, we have to frame a matrix basically whose each element satisfies this condition. If uska har element is condition ko satisfy kar raha hai, then how can we frame a matrix? Means we have to form a matrix A of order 2 by 2 whose each element satisfy this condition. Means यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि एक एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, मीन्स इसके अंदर चार एलिमेंट्स आएंगे 2 to the 4, कौन से होंगे 1 1 1 2 2 1 2 2, राइट? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम. तो इसका हर एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि मीन्स हमें A11 निकालना है, तो आई जे के कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि आई प्लस जे करना है बेसिकली. तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा क्योंकि I1 है और J1 है, ठीक हो गया. ऐसे ही A12 क्या होगा, A12 हो जाएगा 1 + 2 3. ऐसे ही A21 क्या होगा, 2 + 1. कंडीशन बेसिकली है ना कि I और J को ऐड करो, तो हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, राइट? तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, और ये था 3. तो अब हमने सारे एलिमेंट्स निकाल लिए, हम इसको सिंपली पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 3 3 4. तो बेसिकली ये एक ए मैट्रिक्स बन गया. वी फ्रेम दिस ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 हुज ईच एलिमेंट सेटिस्फाइंग दिट कंडीशन. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी कम इन द एग्जाम. लेट अस डिस्कस अनदर का एग्जांपल. ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर लेट अस से 2:3 सच दैट A I J is equal to I minus J. इस हर एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि A मैट्रिक्स जो होगा उसमें ऑर्डर होगा 2:3, जिसमें 2 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे, क्योंकि तो ऑर्डर इस तरह से लिखा जाता है ना, रो इंटू कॉलम. तो 2 रोज होंगी, तो यानी यहाँ पे हम ये सारे एलिमेंट निकाल लेते हैं. 6 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 6 एलिमेंट होंगे A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23. और अब हमें हर एलिमेंट को दिखाना है कि यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. A11 क्या होगा, 1 - 1 क्योंकि I और J का डिफरेंस लेना है. A12 क्या होगा, 1 - 2. A13 क्या होगा, 1 - 3. A21 क्या होगा, 2 - 1. A22 क्या होगा, 2 - 2 क्योंकि डिफरेंस लेना है. A23 क्या हो जाएगा, 2 - 3 यानी -1. अभी सब कुछ आप मैट्रिक्स में लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 - 1 - 2 1 0 - 1, और इस तरह से हमारा एक मैट्रिक्स बन जाएगा, राइट? ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा. एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जरा. ओके, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3. 3 by 3 का एग्जाम्पल लेते हैं, एंड उस कंडीशन इज के ए आई जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई माइनस जे का स्क्वायर, राइट? ये हमें कंडीशन दी हुई है. एक बार मैट्रिक्स फ्रेम करके देखते हैं कैसा होगा. तो पहली बात, 3 by 3 मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट होंगे. 9 एलिमेंट कौन से होंगे, वो A11, A12, A13, देन 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3, राइट? करते हैं फाइंड आउट. A11 की जब बात करेंगे तो एक चीज़ और नोट करिए यहाँ पे कि अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स को देखें, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनमें आई और जे बराबर है, 1-1, 2-2, 3-3. तो जब आई और जे बराबर होगा तो ये रिजल्ट हमेशा 0 देगा. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 आएंगे, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की. तो ये सारे फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा, 1 - 2 यहाँ पुट करेंगे तो 1² - 2² 1² - 2² तो 1 - 4 आ जाएगा -3, बट क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो ये आंसर आ जाएगा 3.
और सेम बात 2-1 के लिए होगी, क्योंकि A12 और 2-1 रिजल्ट सेम देंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। तो आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर करें या जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर करें, सेम बात होगी। यानी आई और जे अगर एक तरह से आपस में वैल्यू चेंज कर दें तो आंसर सेम आएगा, तो यानी इसका आंसर भी 3 आएगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 1 3 की बात करते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 1 माइनस 9, ये आ जाएगा -8 और उसका मॉड 8, तो ये भी 8 हो जाएगा। 2 3 की बात करते हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 4 माइनस 9, -5 का मॉड 5, तो ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स फ्रेम कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर फॉर प्रैक्टिस। आई विल गिव यू असाइनमेंट ऑन दिस एंड लेट अस डिस्कस अनदर वन। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। एक अगेन एक मैट्रिक्स फ्रेम करना है हमें 3x3 का, राइट। और कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, इस तरह से डिफरेंट है कि मैं इसको लिखता हूँ आई प्लस जे वेन आई इज मोर देन जे, आई बाय जे वेन आई इज इक्वल टू जे, एंड आई माइनस जे वेन आई इज लेस देन जे। एक कंडीशन इस तरह से दिया। तो यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि हमें तीन अलग अलग कंडीशन है तो तीन मैट्रिक्स बनेंगे। नहीं, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स फ्रेम करना है जिसको ऑर्डर 3x3 है, तो यानी टोटल 9 एलिमेंट्स बनेंगे, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, राइट। अब हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि जो डायगोनल होते हैं वो तो आई और जे बराबर होते हैं उनमें, ठीक बात है। तो उनमें तो कंडीशन लग जाएगी ये वाली कि इनका डिफरेंस लेना है हमें, तो डिफरेंस रेशियो लेना, सॉरी, तो 1/1, 2/2 और 3/3। तो यानी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सारे सारे 1 आ जाएंगे। अब हमने कंडीशन देखी थी कि जब डायगोनल के ऊपर एलिमेंट देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे खास बात आई जो होता है वो लेस देन जे होता है, राइट। तो आई लेस देन जे है, तो वो कह रहा है आई जब लेस देन जे हो तो कंडीशन लगाना है हमने आई माइनस जे, यानी डिफरेंस लेना है। तो आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1। और ये जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं उनमें क्या खास बात होती है कि आई जो होता है वो मोर देन जे होता है, राइट। मोर देन जे में तो हमने ऐड करना है, तो 2 1 हो जाएगा 3, 3 1 हो जाएगा 4 और 3 2 हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को फ्रेम कर सकते हैं, राइट। Now you can try these type.